नमस्कार दोस्तों, आज DND न्यूज के माध्यम से मैं परमेश्वर सिंह आप सभी दर्शकों के सामने बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में अवस्थित मंदिर बाबा गरीबनाथ धाम के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। बूढ़ी गंडक के किनारे हाजीपुर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर में यह गरीबनाथ का मंदिर अवस्थित है। 300 वर्ष पहले गोस्वामी सचान बंधु द्वारा जंगल साफ कराने के दौरान एक लकड़हारा जिसका नाम गरीबनाथ था, एक पीपल के वृक्ष के जड़ को खोद रहा था, तभी अचानक वहां से खून निकलना शुरू हो गया। वह लकड़हारा परेशान हो गया, घबरा गया। फिर थोड़ा नीचे खुदाई हुई तो एक शिवलिंग निकला जिसके माथे पर कुल्हाड़ी का आघात लगा था, उसी से खून निकल रहा। ब्राह्मणों द्वारा पूजा पाठ करवाया गया, तब जाकर खून बंद हुआ और वहां भव्य मंदिर निर्माण का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज बिहार का देवघर कहा जाने लगा। उस लकड़हारे का नाम गरीबनाथ था, जिसके कारण यह शिवलिंग गरीबनाथ के नाम से विख्यात हुआ। 1942 के पहले इसका निर्माण कच्चा था। 2006 में न्यास बोर्ड गठित हुआ, सरकार इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और मंदिर को भव्य रूप दिया। यह मंदिर बिहार के मंदिरों में तीसरा सबसे बड़ा मंदिर है। भक्त अपने मन की मुरादें बाबा के चौखट पर माथा टेक लगाते हैं, आरजू विनती करते हैं और उनकी मनोकामना सिद्ध होती है। इसी कारण इस लिंग का नाम मनोकामना लिंग चरितार्थ। बैद्यनाथ धाम के अलावा भक्तों का सैलाब अगर कहीं उमड़ता है तो वह है बाबा गरीबनाथ। वैसे शिव को औघड़दानी भी कहा जाता है। थोड़ी सी सेवा से बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और फिर अपने भक्तों को खुश कर देते हैं, उनकी मन मुराद को पूरा कर देते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ बाबा गरीबनाथ के चरणों में मैं सत सत नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बाबा गरीबनाथ। कार्यक्रम का संक्षिप्त छायालोकन आप सबके सामने प्रस्तुत करते हुए हम DND न्यूज परिवार अपने को धन्य मान रहे हैं। धन्यवाद।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।